हेलो गाइज, आज के इस वाले वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ टाइगर मैनिपुलेशन फोटो एडिटिंग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। सो गाइज, अगर आपको भी इस तरह की जो एडिट करना है तो गाइज आपको इस वाले वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। सो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सो ओके गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड ऐड करना है। एंड गाइज, सारे बैकग्राउंड्स एंड पीएनजीज आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, लेकिन गाइज वो पासवर्ड एनक्रिप्टेड है। सो गाइज आपको वीडियो के बीच में गाइज पासवर्ड मिल जाएगा। सो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद गाइस अभी आपको इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे विजिट करेंगे ड्रा टूल को। एंड ड्रा टूल में जाने के बाद गाइस अभी आपको कलर्स वाले आइकॉन पे जाना है। देन गाइस आपको ये वाला कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे गाइस आपको थोड़ा बहुत इसे कम कर देना है इस तरह से। सो यहाँ पे गाइस ये वाला जो कलर है चूज हो जाएगा। एंड देन गाइस आपको यहाँ पे डन पे टाइप करना है। फिर गाइस आपको ब्रश पे चले जाना है एंड ब्रश की जो हार्डनेस है गाइस आपको पूरी कम रख देनी है एंड साइज को पहले बढ़ा देना है इस तरह से। फिर गाइस आपको ऊपर से इस तरह से ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद गाइस अभी आप जब यहाँ पे पूछोगे तो गाइस आपको फिर से इस वाले आइकन पे जाना है। देन गाइस आपको ओपेसिटी थोड़ी बहुत कम करनी है एंड साइज को गाइस यहाँ पे आपको बढ़ा देना है, हार्डनेस को कम रख देना है। फिर गाइस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ब्रश कर देना है। और गाइस आपको ओपेसिटी को कम कर देना है। फिर गाइस आपको रोड के साइड में कुछ इस तरह से पेंट करना है। सो इस तरह से गाइस आपका जो बैकग्राउंड है गाइस पूरा मॉडिफाई हो चुका है। अभी गाइस आपको अपना जो पीएनजी गाइस टाइगर पीएनजी गाइस वो ऐड करना है, तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर्स वाले आइकॉन पे जाना है। देन गाइस एमपीटी लेयर सेलेक्ट करके इसे यहाँ पे प्लेस कर देना है। यहाँ पे गाइस आपको ऐड ऑब्जेक्ट्स पे जाना है। देन गाइस फोटोज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से गाइस आपको ये वाला जो पीएनजी ऐड करना है, जो कि गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। इसको लाने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे इसे ऐड करना है। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको अपना जो मॉडल है गाइस वो ऐड करना है, तो उसके लिए गाइस आपको फिर से यहाँ पे एमपीटी लेयर पे जाना है। देन गाइस यहाँ पे एमपीटी लेयर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ऐड ऑब्जेक्ट्स पे टैप करना है। फिर गाइस फोटोज पे एंड यहाँ से गाइस आपको कुछ इस तरह से अपना जो पोज है वो दे देना है अपनी पिक्चर में, जो कि गाइस आप बाय वॉकिंग दे सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देना है इस तरह से। एंड प्लेस करने के बाद अभी आपका जो काम है गाइस इस वाले लेयर को कर देना है मर्ज बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे गाइस मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देता हूँ एंड इसको मर्ज कर देता हूँ मैं बैकग्राउंड के साथ। ओके नेक्स्ट गाइस यहाँ पे आपको फिर से इस वाले आइकॉन पे जाना है। देन गाइस यहाँ पे आपको एमपीटी लेयर सेलेक्ट करके इसे प्लेस कर देना है पीएनजीज के नीचे इस तरह से, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको शेडो क्रिएट करने है। एंड गाइस शेडो क्रिएट करने के लिए मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना के रखा है, जहाँ पे गाइस मैंने डिटेल में आपको बता दिया है गाइस आप कैसे एक रियलिस्टिक शेडो क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मैं फटाफट से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कलर्स वाले आइकॉन पे जाता हूँ, ब्लैक कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रश पे चले जाता हूँ एंड ब्रश की जो हार्डनेस है गाइस वो इस तरह से रख के ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ एंड साइज को कम करके यहाँ पे मैं इस तरह से ब्रश कर देता हूँ। ओके गाइस, टाइट शेडो क्रिएट करने के बाद अभी आपको फिर से ब्रश वाले आइकॉन पे जाना है। देन गाइस ब्रश की जो हार्डनेस है गाइस वो इसी तरह से कम रखना है एंड ओपेसिटी गाइस थोड़ा बहुत और कम करना है इस तरह से एंड साइज को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। फिर गाइस आपको कुछ इस तरह से ब्रश करना है यहाँ पे एंड इस तरह से गाइस आपकी जो शेडो है क्रिएट हो जाएगी बिल्कुल अच्छी तरह से। नेक्स्ट गाइस आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है गाइस, आपको क्या करना है, इन सारी लेयर्स को गाइस आपको पहले मर्ज कर देना है। एंड मर्ज करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक एमपीटी लेयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रख देना है। एंड गाइस देन गाइस आपको यहाँ पे कलर्स वाले आइकॉन पे जाना है। इस वाले आइकॉन पे टैप करके गाइस आपको यहाँ पे ये वाला जो कलर है चूज करना है। देन गाइस आपको ब्रश पे जाना है एंड ब्रश के गाइस हार्डनेस बिल्कुल कम रखनी है एंड साइज को बढ़ा देना है इस तरह से। ओपेसिटी को गाइस आपको 10 के आसपास रख देना है। फिर गाइस आपको इस तरह से हल्का यहाँ पे ब्रश करना है एंड ब्रश करने के बाद गाइस अभी आपका जो काम है गाइस, आपको फिर से और एक एम्पिटी लेयर ले आनी है एंड एम्पिटी लेयर को गाइस यहाँ पे आपको कर देना है ओवरले। ओवरले करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ब्रश वाले आइकॉन पे जाना है एंड ब्रश के साइज को कम रख करके गाइस आपको ओपेसिटी को बढ़ा देना है इस तरह से। फिर गाइस आपको अपना जो मॉडल है गाइस इस तरह से जूम करके यहाँ पे कर देना है इस तरह से ड्रा। एंड लास्ट में गाइस आपको यहाँ पे मैन टूल्स पे आ जाना है। टूल्स पे आने के बाद गाइस आपको टैप करना है, फिर गाइस एडजस्ट पे जाना है। यहाँ पे गाइस आपका जो टैंप है गाइस आपको इस तरह से इसे बढ़ा देना है एंड बढ़ाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे इसकी जो शेडोज है गाइस इसे कम करना है इस तरह से। सो यहाँ पे गाइस एक परफेक्ट ट्यून आ जाएगा आपकी पिक्चर में। सो ओके गाइस, इस तरह से आप ये वाला जो कंसेप्ट है क्रिएट कर सकते हो। आई होप गाइस आपने इस वीडियो को लाइक एंड गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया हो। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई एक अमेजिंग वीडियो के साथ। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।